रायगढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी अपने समर्थक सदस्यों के साथ रीवा पहुंची और कलेक्टर प्रतिभा पाल के साथ साथ जिला सीईओ से मिलकर जनपद पंचायत में प्राप्त भ्रष्टाचार विकास में बाधा उत्पन्न करने वालों के साथ साथ भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की। रीवा पहुंचे जनपद अध्यक्ष ने बताया कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन उनके जनपद पंचायत में जहां वो स्वयं महिला अध्यक्ष हैं, वहीं कई जनपद सदस्य महिलाएं हैं, लेकिन महिला होने के चलते विरोधी पार्टियों से साठ गांठ कर यहाँ पदस्थ अधिकारी उनके कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जनपद अध्यक्ष को स्पष्ट किया कि वो जानकारी जुटाकर हर संभव जनपद के विकास का प्रयास करेंगी। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने भी जनपद अध्यक्ष को जनपद के विकास में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर विकास को गति देने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी। आप सभी को विदित है और जिले का कोई ऐसा जागरूक व्यक्ति नहीं कि जो नई गढ़ी जनपद में 9 महीने से चल रहा है। ये सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, राजनीति में महिलाओं को अधिकार देने की बात करती है। नई गढ़ी जनपद में 16 निर्वाचित महिला सदस्य हैं और जिस तरह से वहाँ पे प्रशासनिक उपेक्षा, जनपद अध्यक्ष महिला हैं, उनके अधिकारों पे अतिक्रमण, किसी तरह की सामान्य सभा सामान्य प्रशासन का ना कराया जाना, अगर हो गई तो उस पर किसी तरह से क्रियान्वयन नहीं, परिपालन नहीं, उसी के लिए सारे महिला जनपद सदस्य और निर्वाचित जनपद सदस्य सभी आए थे और सब ने निर्णय लिया है कि अगर कोई अब कार्यवाही नहीं होती तो जैसा कि अगस्त क्रांति मंच चावंड अनशन नई गढ़ी जनपद के किसान मजदूर बिजली से समस्या से बीपीएल इस तरह से कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उसके उन्हीं के साथ ये सभी 17 तारीख से आमरण अनशन करेंगी अगर कोई निराकरण नहीं होता। इन्होंने कलेक्टर महोदया से मिला, कलेक्टर महोदया ने कहा कि मैं अभी नई हूँ और पूरी जानकारी लेके और मैं कार्यवाही करती हूँ, और सीओ साहब ने भी कहा है कि मैं आया हूँ, सुधार की प्रक्रिया में हूँ और पूर्ण सहयोग करूँगा जिससे नई गढ़ी का विकास हो सके। नई गढ़ी में पानी की समस्या, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता, उससे त्रसित होकर सब आए थे। कार्यालय क्या पूरे सदस्य का जी, हमारे पूरे जितने 18 सदस्य थे हम साथ में आए हुए हैं। पहले माननीय कलेक्टर जी से मिली, उससे अपनी समस्या बताई, क्योंकि हम 8 महीने से हो गया हमारे जनपद में कोई कार्य नहीं हुआ और 15वें वित्त की जो कार्य योजना बनी थी उस पर भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा तो हमारे क्षेत्र में पानी की संकट, भीषण संकट है। हम लोग पूरे 25 सदस्य मिलकर और उसका अनुमोदन हुआ मोटर का, अभी तक आज 2 महीने हो गया हमारे जनपद क्षेत्र में कहीं एक भी मोटर नहीं दिया गया और न उसका मिला। तो हम लोग अपनी समस्या माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करने आए थे कि जो हमारी समस्या है उस पर ध्यान दिया जाए और जनपद में अच्छी से अच्छी कार्य योजना बनाई जाए और उसका दोबारा कार्य योजना पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सीओ सर से भी हम लोग मिले, पूरे सदस्य मिलके उनसे भी यही समस्या बताए। सीओ सर बोले ठीक है, हम उसका ध्यान उस पर ध्यान दूंगी और बाकी जितने हमारे सदस्य हैं वो भी पूरी समस्या सुनाए। कि वजह क्या मानती है अभी तक कोई कार्य योजना नहीं हो पाई? वजह ये है कि पहले हमारे शैलेश जी सीओ सर थे, वो 4-5 महीने कोई काम नहीं हुआ जनपद का, फिर हमारे राहुल सर जी आए, वो भी इसमें विकास यात्रा में रहे, उसमें भी कोई निराकरण नहीं हुआ। ये 8 महीने से हम लोग वही देख रहे हैं कि एक साइन के सीओ की साइन के वजह से हम लोगों की कार्य योजना ठप पड़ी हुई है, इसलिए माननीय सीओ सर से माननीय कलेक्टर महोदय से यही हम लोगों का अनुरोध है कि हमारे जनपद पंचायत नई गढ़ी में कार्य योजना की जल्दी से जल्दी ध्यान दें और कार्य योजना बने और उस पर जितना हम लोग कार्य योजना की बनाए हैं उस पर ध्यान दें और पैसा निकल जाए। और जो हमारी जनता है पानी के साथ सबसे ज़्यादा भीषण संकट है, उसके लिए उनको मिलना चाहिए।